We are on the topic ingredients. Ingredients meaning the composition. वे सारे components जो use किए जाते हैं किसी भी food article को prepare करते समय. आपने अक्सर देखा होगा कि जो food article आपके थाली में serve किया जाता है उसमें different components या ingredients mix होते हैं. कुछ ऐसे food articles होते हैं जिनमें कुछ भी चीज़ mix करने की ज़रूरत नहीं होती है और वे आते हैं सिंगल मटेरियल की कैटेगरी में. जब हम बात करते हैं सिंगल मटेरियल इंग्रेडिएंट की सो वहाँ आप देखते होंगे अगर आप सैलड्स खाते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, अगर आप मिल्क लेते हैं सो आपको इन्हें प्रिपेयर करते समय अलग से कुछ और चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप मिल्क को भी प्लेन भी कंज्यूम कर सकते हैं. एट टाइम्स इफ यू लाइक तो आप उसमें कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ फ्लेवर या शुगर भी ऐड करते हैं. जब हम बात करते हैं मल्टीपल मटेरियल इंग्रेडिएंट की सो यहाँ वे सभी फूड आर्टिकल्स आते हैं जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एवरी डे योर मदर कुक्स वेरी डिलीशियस पराठास फॉर यू. आपकी मम्मी आपके लिए बनाती हैं पराठे. अब जब ये पराठे आपकी मम्मी आपके लिए बनाती है सो इन पराठों को बनाते समय सिर्फ एक कंपोनेंट या एक इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता है. आप बताइए कि इंग्रेडिएंट्स कौन से रहते हैं पराठे में. जब हम बात करते हैं पराठा की सो इसमें सबसे पहले आते हैं आपका फ्लोर मतलब आटा. इस आटे में आप ऐड करते हैं वाटर. इसमें पानी मिलाया जाता है. इसमें आपके स्वाद आपको जितना अच्छा लगता है उस हिसाब से इसमें नमक मिलाया जाता है. इसमें ऑयल या घी को मिलाया जाता है. अगर ये कोई स्पेशल पराठा है फॉर एग्जांपल अगर आपको आलू के पराठे पसंद है सो इसमें स्टफिंग रहती है जो पोटैटोस की हो सकती है. और इस पोटैटोस की स्टफिंग के लिए भी पोटैटोस के अलावा भी बहुत चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल आप कोरिएंडर लीव्स को यूज़ करते हैं. जिस तरीके से एक आलू के पराठे को बनाने के लिए आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है सो ये फॉल करता है हमारी कैटेगरी में जहाँ पर मल्टीपल मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं. अब आप समझ गए कि कुछ फूड आर्टिकल्स में आपको कुछ भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है. दैट मीन्स वो सिर्फ इन एक इंग्रेडिएंट से मिलकर बन जाते हैं. जब हम बात करते हैं मल्टीपल मटेरियल इंग्रेडिएंट्स या मल्टीपल मटेरियल फूड की इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है एंड देन फाइनली यू गेट योर डिलीशियस आलू पराठास. अभी हमने जैसे देखा था मल्टीपल मटेरियल इंग्रेडिएंट्स की, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इसी के. आप खाते हैं करी. कोई भी वेजिटेबल करी जब आप खाते हैं उस वेजिटेबल करी में आप देख रहे हैं कि उसमें रहता है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का चॉप्ड या ग्राइंडेड पार्ट. इस वेजिटेबल करी में आप देख रहे हैं अनियंस यूज़ किए गए हैं, टमेटोज यूज़ किए गए हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि कोरिएंडर लीव्स आर आल्सो यूज्ड. बिल्कुल इसी तरह से जब आप कोई वेजिटेबल करी प्रिपेयर करना चाहते हैं आप यहाँ पर कॉलीफ्लावर भी देख पा रहे हैं. सो कॉलीफ्लावर इज अगेन देयर. सो इस तरह से जब आप कोई वेजिटेबल करी प्रिपेयर करते हैं सो वो वेजिटेबल करी कभी भी एक कंपोनेंट से मिलकर के नहीं बनी होती है. उसमें एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स. इवन इफ द सिंपलेस्ट दाल जो आप बिल्कुल सादी से सादी दाल भी खाते हैं सो उस दाल को आप देखते हैं कि उसमें रहती है पर्टिकुलर पल्स. जो भी दाल आप यूज़ करते हैं सपोज आप अगर उड़द की दाल खा रहे हैं, आप मूंग दाल खा रहे हैं, आप तुअर दाल खा रहे हैं सो उस दाल को यूज़ किया जाता है. उसमें और यूसेज होता है वाटर का. उसमें आप देख रहे हैं जैसे अगर यहाँ हम तड़के की दाल देखते हैं सो इसमें यूज़ होता है सॉल्ट के अलावा ऑयल और घी. यू कैन सी द रेड चिली देयर.
बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने एक वेजिटेबल करी को देखा, हमें दाल बनाने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सपोज हम बात करते हैं इडलीज की। अब आप सोचते होंगे इडली तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट आपको बता दें कि इडली भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिक्स करके बनाई जाती हैं। जब बात करते हैं इडली या वड़ा की, सो इसमें होते हैं आपका राइस, उड़द दाल, प्लस आप फर्मेंटेशन के लिए इसमें कई बार कर्ड भी यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, आप इसको फर्मेंट होने देते हैं, और इसके बाद में जब आप इसको कुक करते हैं तो कई बार इसे फ्राई भी करते हैं। सो यू यूज़ ऑयल और घी ओवर देयर। आप इस इडली के साथ में सांबर खाते हैं, इस सांबर को भी बिल्कुल वेजिटेबल करी की तरह ही प्रिपेयर किया जाता है। यू आर एक्चुअली टेकिंग चटनीज अलॉन्ग विथ इडलीज। इस चटनी को बनाने के लिए भी, सपोज यू आर ईटिंग कोकोनट चटनी विद इट, सो अगर आप नारियल की चटनी खाते हैं अपनी इडली के साथ में, सो नारियल की चटनी को बनाने के लिए भी नारियल, सॉल्ट, आप उसमें कोरिएंडर लीव्स, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स की नीड होती है। हमारा अगला एग्जाम्पल है रोटी। आप सोचते हैं रोटी, दे आर अगेन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, बट रोटी को भी बनाते समय यूज किया जाता है फ्लोर, सॉल्ट, वाटर, ऑयल और घी। बिल्कुल इसी तरह से आप जितने भी फूड आर्टिकल्स देख रहे हैं, इन सभी फूड आर्टिकल्स, वो कितना भी सिंपल दिखे, उन्हें कभी भी एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनाया जा सकता है, एंड दे नीड कपल ऑफ या बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स और डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग के थ्रू इन सभी फूड आर्टिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है।